वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। गाइस, फीफा वर्ल्ड कप चल रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे स्पोर्ट्स देखने का मजा ही कुछ और होता है। आपको लगता है जैसे आप वहीं स्टेडियम में बैठकर मैच लाइव देख रहे हो। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर लाई हूं जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इस प्रोजेक्टर का प्राइस 23,499 है। इसकी परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है टोंजो कंपनी का न्यूली लॉन्च मूवी बॉक्स 13 फुल HD प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक साइंड वारंटी कार्ड रखा मिलता है, फिर एक वाइट बॉक्स निकलता है जिसमें एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक AV केबल, एक HDMI केबल और ये दो रेड और ब्लू ग्लासेस रखे मिलते हैं। प्रोजेक्टर के लेंस पे ये प्लास्टिक फ्रॉस्टेड कवर लगा आता है। ये प्रोजेक्टर ब्लैक मैट फिनिश के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ओवरऑल देखने में भी इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगता है। ऊपर के सरफेस पे इस डिस्क पे सारे फिजिकल बटन्स एम्बेडेड हैं, जिन्हें आप लाइट टच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्क के इस साइड में ये लीनियर इंडिकेटर लाइट दी गई है जो प्रोजेक्टर के लुक्स को इनहांस करती है और यहाँ एच पे पावर बटन का प्लेसमेंट दिया गया है। नीचे की ओर सीलिंग माउंट करने के लिए इस प्रोजेक्टर में स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं और साइड में पोर्ट्स दी गई हैं। पावर पोर्ट पीछे की ओर दी गई है, आगे की ओर साइड में मैनुअल फोकस दिया गया है। वेंटिलेशन ग्रिल्स का प्लेसमेंट भी साइज में ही दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये प्रोजेक्टर एलिगेंट लगता है। इसके साथ आया रिमोट स्टैंडर्ड है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस के बटन्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में एक USB पोर्ट, दो HDMI पोर्ट्स, एक AV पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक TF कार्ड स्लॉट दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की। तो टोंजो कंपनी इस प्रोजेक्टर में 7500 ल्यूमेंस ब्राइटनेस क्लेम करती है। इस प्रोजेक्टर में 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। ये प्रोजेक्टर LED प्लस LCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें लगी LED की लाइफ 50,000 आवर्स है। ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 9.0 के साथ आता है और इसमें हाईसी V35 क्वाड कोर ARM64 प्रोसेसर लगा आता है। इसमें 1GB रैम के साथ 8GB स्टोरेज दिया गया है। इस मूवी बॉक्स 13 प्रोजेक्टर में आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ मीराकास्ट फीचर भी मिल जाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में आपको ब्लूटूथ भी दिया गया है। ये सब तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। ये छोटा सा पोर्टेबल प्रोजेक्टर जो एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, वो रियल में एक फुल फ्लेज्ड होम सिनेमा प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर की ये सीरीज मूवी लवर्स के लिए है जो अपने घर पे ही सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसमें आपको 4D कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ मैनुअल फोकस दिया गया है। इन दोनों फंक्शंस की मदद से आप एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना सकते हैं। रही बात इस प्रोजेक्टर की रियल ब्राइटनेस की, तो वो 7500 ल्यूमेंस नहीं है, लेकिन ये ब्राइट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में ही आता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस भी 400 ल्यूमेंस से ऊपर नहीं जाती है और इसकी ब्राइटनेस भी इससे नीचे ही है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इतनी कि आप नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के डार्क सीन्स भी इस पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा है, आप इसे व्हाइट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पा सकते हैं। मैं इसे 130 इंचेस की स्क्रीन पे 12 से 13 फीट की दूरी से प्रोजेक्ट कर रही हूँ और आप खुद इसकी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी लाइट कलर की वॉल पे भी प्रोजेक्ट करके इस पे मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। इसका कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है, इसमें आपको नेचुरल कलर्स मिलते हैं जिनमें एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाती है। ये प्रोजेक्टर आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। आज के दौर में जब सिनेमा हॉल जाने का ट्रेडिशन बिल्कुल कम होता जा रहा है और लोग अपने घरों में ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे फैमिली के संग लेटेस्ट मूवीज एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे में ये मूवी बॉक्स आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा ह्यूज स्क्रीन एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। अगर आपके घर में स्पेस है तो आप इस प्रोजेक्टर को 250 इंचेस तक की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके मूवीज अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर कॉर्नर पे ब्लर की बात की जाए तो टेक्स्ट देखते समय आपको किसी कॉर्नर पे 5-8% तक का ब्लर दिख सकता है, लेकिन पिक्चर देखते समय वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। 5-10% का ब्लर
बजट प्रोजेक्टर्स में एक नॉर्मल बात है जो आपको लगभग हर प्रोजेक्टर में दिखाई देगी। इस प्रोजेक्टर के नॉइज लेवल की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जो ऑडियो चलने के बाद सुनाई ही नहीं देती है। चलिए अब थोड़ा लाइट खोलकर भी इसका परफॉर्मेंस आपको चेक करा देते हैं। लाइट स्विच ऑन करने पे भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है। आप इसे एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी कंफर्टेबली देख सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इसकी ऑडियो एक मिड साइज रूम तक के लिए सफिशिएंट है। डायलॉग्स इस पे अच्छे से ऑडिबल होते हैं और आवाज में अच्छी क्लैरिटी भी सुनने को मिलती है। लेकिन फिर भी सिनेमा हॉल जैसे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आप इस प्रोजेक्टर को इसके 3.5 mm ऑडियो पोर्ट से किसी भी होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं। 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है, तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे। जब अपने आप को आईने में देखते हो कौन दिखता है तुम्हें? फाइटर। एक आम जिंदगी जीने में भी ना एक पावर है, लाइट है, और आपकी ये जो लड़ाई है ना बहुत डार्क है सर, मुझे नहीं पसंद है इसमें। सूरज वो प्यारा अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा। अपने मतलब के लिए दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। रही स्मार्टनेस की बात तो ये एक एंड्रॉइड बेस्ड प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉइड 9.0 के साथ आता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टर में अभी तक ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं दिया गया है, चाहे वो हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स ही क्यों ना हो। इसीलिए इन सारे ही एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स में सिर्फ यूट्यूब हाई रेजोल्यूशन में चलता है, बाकी दूसरे एप्लीकेशन सिर्फ 480p में ही कॉन्टेंट प्ले करेंगे। फोन पे 480p रेजोल्यूशन तो चल जाता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे जब आप 480p में कॉन्टेंट देखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए हर प्रोजेक्टर के साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक जरूरी होती है। एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू ये प्रोजेक्टर यूट्यूब पे 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर USB के थ्रू भी 4K HDR वीडियोस को स्मूथली रन करता है। रही बात कास्टिंग की तो मिररिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा लैग दिखा। आप इस प्रोजेक्टर को अपने प्लेस्टेशन से कनेक्ट करके गेमिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। गेमिंग इस प्रोजेक्टर पे स्मूथ होती है, मुझे इस पे कोई लैग या स्टटरिंग की प्रॉब्लम नजर नहीं आई। क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस भी आप इस प्रोजेक्टर पे बहुत एंजॉय करेंगे। बड़ी स्क्रीन पे इन गेम्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप वहीं स्टेडियम में बैठकर मैच अपनी आंखों से देख रहे हो। ब्लूटूथ इस प्रोजेक्टर में दिया गया है, आप चाहें तो इससे अपने हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्टर को अपने सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करके चैनल्स भी एंजॉय कर सकते हैं। HD और SD दोनों ही चैनल्स इस पे बहुत बढ़िया दिखते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी प्रोजेक्टर को आप टीवी की तरह कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की ड्यूरेबिलिटी एक्सटेंड करने के लिए आपको उसे कूल रखना होगा। बेटर होगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए आप प्रोजेक्टर को एक बार में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही यूज करें और दोबारा तभी चलाएं जब वो पूरी तरह से कूल हो जाए। ऐसे तो ये एक 3D प्रोजेक्टर है, लेकिन रेड और ब्लू ग्लासेस वाले 3D प्रोजेक्टर में आपको रियल 3D एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इस फीचर पे ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्रोजेक्टर है जो आपको सिनेमा हॉल वाली फील दे देता है। आप इस पे मूवीज अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये लाइट वेट है, इसलिए आप इस प्रोजेक्टर को अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, आप इसे थोड़े इल्यूमिनेटेड रूम में एजुकेशन या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रही आफ्टर सेल सर्विसेज की बात, तो कंपनी ने मुझे अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज का एश्योरेंस दिया है। लेकिन आप भी याद रखें कि प्रोजेक्टर को डस्ट से बचा कर रखें और ओवरहीटिंग प्रिवेंट करने के लिए उसे एक बार में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलाएं। याद रखिए, वारंटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर वारंटी में किसी पार्ट के फेलियर की होती है। अगर आपकी इंटेलिजेंस से प्रोजेक्टर खराब होता है तो कंपनी सर्विसेज डिनाई भी कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।